फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स रोल। तो चलिए देखते हैं कि मेरे इस ड्राई फ्रूट्स रोल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए जो मेरे इन्ग्रीडियंट्स लिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 2 टेबल स्पून खसखस के दाने हैं, जैसे कि मैंने 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। 250 ग्राम बीज निकाले हुए खजूर, 25 ग्राम कटे हुए पिस्ते, 50 ग्राम कटे हुए बादाम, 50 ग्राम कटे हुए काजू, 50 ग्राम कटे हुए किशमिश, 2 से 3 हरी इलायची कुटी हुई, 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट और 1/2 टीस्पून घी लिया हुआ है। तो चलिए हम अपने ड्राई फ्रूट रोल बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम इस खजूर को एक ग्राइंडर की जार में डालकर 1 से 2 बार ग्राइंड कर लेते हैं। हम इसी जार में इन हरी इलायचियों को भी डाल देते हैं। ये हो चुका है, इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया है और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भुनेंगे, हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें खजूर भी मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट के लिए चलाकर गैस को बंद कर देंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस भी बंद कर दिया है। अब अपने इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम इसमें खसखस के दाने, आधे खसखस के दाने मिक्स कर देते हैं और आधे बाद के यूज के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ड्राई फ्रूट रोल बना लिया है। अब हम इसे खसखस के दाने के ऊपर लपेट लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने खसखस के दाने इसके ऊपर लपेट दिए हैं। अब हम इसे एक क्लिंग फिल्म रैप में लगाकर फ्रिज के अंदर 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रोल सेट हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर कट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने ड्राई फ्रूट रोल को काट लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में सजाकर सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राई फ्रूट रोल अब खाने के लिए तैयार है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी और आप इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की ज़रूर कोशिश करोगे।